हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी। वो भी प्रेशर कुकर में एकदम खिली खिली बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत ही कम समय में बनता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्लास बासमती राइस लिया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच फ्रोजन मटर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है, 1.5 चम्मच नमक, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच घी, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 आलू, इसे बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है, थोड़े से करी पत्ता लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप गाजर, इसे बारीक कट कर दिया है, 1/4 कप काजू लिया है, 1 प्याज लिया है, इसे स्लाइसेस में कट कर दिया है, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच राई, और साथ में लिया है 1/2 हरा कलर का शिमला मिर्च, 1/2 कप ब्रोकोली लिया है, और 1/2 कप रेड और ऑरेंज कलर का शिमला मिर्च लिया है। तो अब चलते हैं वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखा है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच घी। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। आप चाहे तो वेजिटेबल खिचड़ी तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे घी का यूज कर लेना है। जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा, साथ में ही डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच राई। हम इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसे भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज, मैंने यहाँ पे बड़े टुकड़ों में इसे स्लाइस में कट कर दिया है। हम यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है थोड़ा सा दिखने में सॉफ्ट हो जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही पका लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं आलू, साथ में डाल देते हैं गाजर और काजू। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कलर वाले शिमला मिर्च और साथ में डाल देते हैं ब्रोकोली। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं फ्रोजन मटर। आप चाहे तो अपने पसंद के वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्याज और मसाले के साथ सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं वॉश किया हुआ राइस। मैंने यहाँ पे राइस को भिगोया नहीं है, मैंने यहाँ पे इसे तुरंत वॉश किया और तुरंत डाल दिया है। तो हम यहाँ पे राइस को भी मसाला और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, तो हम ढक्कन हटा देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इससे जो है खिचड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है और ये खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1.5 ग्लास पानी। जिस ग्लास से राइस मापा था उसी ग्लास से हमें 1.5 ग्लास पानी डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ना कि सारे वेजिटेबल्स कितने बढ़िया दिखने लगे हैं। आप चाहे तो इसमें पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और हमें यहाँ पे इसे 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 सीटी आ जाने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पे जो प्रेशर कुकर है वो अच्छे से ठंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे सावधानी से ढक्कन को खोल देते हैं।
तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि वेजिटेबल्स खिचड़ी दिखने में कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे एक फोर्क ले लेते हैं और इससे थोड़ा सा राइस को लूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, जो नीचे वाले राइस है वो ज्यादा ओवर कुक नहीं हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसे फोर्क से या फिर नाइफ से थोड़ा सा लूज कर लेना है। तो यहाँ पे जो राइस है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और ये एकदम खिला खिला बन के तैयार है। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल खिचड़ी बन के तैयार है। तो आप चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं टेस्टी और खिले खिले वेजिटेबल्स खिचड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना परफेक्ट और एकदम खिला खिला बन के तैयार है। तो यहाँ पे ये प्रेशर कुकर में झटपट बन के तैयार हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप इसे अचार के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।